नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि, कृष्ण काव्य के कवि नंददास जी जो है एक विशिष्ट कवि हैं, जिनके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अष्ट छाप के कवि हैं। विठल दास जो थे, जिन्होंने अष्ट छाप की स्थापना की थी, उनके शिष्य थे नंददास जी, जो अष्ट छाप के कवि कहलाती हैं, ब्रज भाषा के जड़िया कहलाती हैं, और एक विशिष्ट कवि हैं जिनके प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। इनके दादा का नाम था पंडित सचिदानंद। पंडित सचिदानंद जो है, सचिदानंद इनके दादा का नाम था, और अधिकांश विद्वान इससे सहमत हैं। इनके दो पुत्र हुए हैं सचिदानंद के, जिसमें जीवाराम शुक्ल और आत्माराम शुक्ल। तो जीवाराम के बेटे थे नंददास। और आत्माराम के पुत्र थे तुलसीदास। इसलिए तुलसीदास के चचेरे भाई जो है वो इनको माना जाता है, चचेरा भाई माना जाता है। नंददास का जीवन काल जो है वो 1533 ईस्वी से लेकर 1583 ईस्वी माना जाता है। तो यानी तुलसीदास के चचेरे भाई हो गए नंददास। 1533 से लेकर 1583 तक इनका जीवन काल माना जाता है, अधिकांश विद्वान इससे सहमत हैं। और चंद्रहास इनके एक भाई थे, चंद्रहास नंददास के भाई थे। ब्रज भाषा का जड़िया भी इनको कहा जाता है। ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे, इनकी भाषा बहुत अच्छी थी, निखरी हुई भाषा थी। अष्ट छाप के कवि थे। अष्ट छाप के कवि थे। जड़िया कवि इनको कहा जाता है, ब्रज भाषा के जड़िया कवि। इनकी प्रमुख रचनाओं में के प्रश्न जो है वो खूब आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, जिसमें जो सबसे प्रसिद्ध हैं, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध छंद रचना है। यह रोला छंद में लिखी गई रचना है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, यूजीसी नेट में आया हुआ है, रास पंचाध्यायी का छंद कौन सा है प्रमुख छंद, तो रोला छंद में लिखी गई है। भागवत गीता जो है, भागवत पुराण जो है, उसके 10वें स्कंद में, यानी दसम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक का वर्णन है। 29 से 33वें अध्याय तक का वर्णन है रास पंचाध्यायी में। रास पंचाध्यायी के अंदर जो शब्द संयोजन है इनका, जो भाषा का रूप देखने को मिला है, जो भाषा का सुंदर प्रयोग है, उसमें शब्दों का जो चयन है, उसी के आधार पर इनको जड़िया कवि कहा जाता है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि जड़िया कवि इनको इस रास पंचाध्यायी रचना में जो शब्द चयन है उनका, उसी के आधार पर जड़िया कवि कहा जाता है। इसमें रोला छंद है, भागवत पुराण के दसम स्कंद के 29 से लेकर 33 तक 5 अध्याय होते हैं, तो वो 5 अध्याय जो है वो उनका वर्णन इसमें है। इनकी दूसरी रचना है, और रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी
ये भी रासलीला से संबंधित है। उसके बाद में इनकी मंजरी नाम से रचनाएं हैं, जैसे अनेकार्थ मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी है, जैसे मान मंजरी है, इनकी रचनाओं में रूप मंजरी है, रस मंजरी है, विरह मंजरी है, गोवर्धन लीला है, दान लीला है, श्याम सगाई है, सुदामा चरित है, रुक्मणी मंगल है, प्रेम बारह खड़ी है, भागवत दशम स्कंद है, नंददास की पदावली भी बहुत अच्छी रचना है, नंददास की पदावली जो कि 12 प्रकरणों में इनके पद हैं, इस रचना में 12 प्रकरण हैं और उनमें इनके पद दिए गए हैं। मीराबाई की पदावली है, विद्यापति की पदावली है, नंददास की भी पदावली है, पदावली रचना है नंददास की पदावली। तो ये 15 रचनाएं इनकी, जिनके प्रश्न जो है वो खूब आते हैं परीक्षाओं में। अष्ट छाप के कवि थे, जड़िया कवि थे, जड़िया कवि बाकी सब गढ़िया, नंददास जड़िया, ये कहावत प्रचलित है। रास पंचाधाई में जो शब्द चयन है इनका, उसी के आधार पर इनको जड़िया कवि कहा गया है। सिद्धांत पंचाधाई जो है इसमें भी रासलीला है, इसमें भी रासलीला है। अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी ये पर्याय कोश हैं, पर्याय कोश ग्रंथ हैं। रूप मंजरी में श्रृंगारिक रचना है, रस मंजरी में नायिका भेद का वर्णन है, रस मंजरी जो रचना है उसमें नायिका भेद वर्णन है। विरह मंजरी एक श्रृंगारिक रचना है और ये 29 से लेकर 33वें अध्याय तक इसमें रास पंचाधाई में दिए हुए हैं। गोवर्धन लीला है, दान लीला है, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, प्रेम बारह खड़ी, भागवत दशम स्कंद और पदावली इनकी जो रचना है वो 12 स्कंदों में इनके पद जो है वो दिए गए हैं। तो ये इनकी 15 रचनाओं के प्रश्न जो है वो अधिकतर परीक्षाओं में जो है वो पूछे जाते हैं। नंददास जो कवि हैं ये अष्ट छाप के विठल दास के जो है वो शिष्य हैं और इनका जीवन काल जो है वो 1533 ईस्वी से 1583 तक जो है वो ज्यादातर विद्वान इससे जो है वो सहमत हैं। जन्म स्थान यदि इनका पूछा जाए, भाई नंददास का जन्म स्थान, तो जन्म स्थान जो है वो तुलसी के यदि चचेरे भाई हैं तो फिर जन्म स्थान रामपुर, ग्राम रामपुर सोरो या शुक्र क्षेत्र जो है वो इसका सोरो या शुक्र क्षेत्र जन्म स्थान है जो उत्तर प्रदेश में है। तुलसीदास के गुरु भाई भी इनको बताया जाता है कि भाई एक साथ ये शिक्षा जो है वो ग्रहण करते थे, तो ये
चचेरे भाई न होकर गुरु भाई थे।